अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। और आज हम जिस वीडियो को कवर करने वाले हैं वो सिटी या कैपिटल सिटी कंपैरिजन है। पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद के साथ हम रिएक्शन करने वाले हैं, कंपेयर करने वाले हैं बांग्लादेश की ढाका सिटी या कैपिटल सिटी ऑफ ढाका। तो इस पर हम कवर करने वाले हैं और देखेंगे कि दोनों कंट्री के अंदर कितनी असिमिलरिटी है, कितने एक दूसरे के जैसे है नहीं है, कितनी चेंजिंग है दोनों कंट्री की सिटीज़ के अंदर या जो कैपिटल सिटी है उसके अंदर। और जो भी कंपेयर होगा हम आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगेगी। स्टार्ट करते हैं। तो कैसे हैं व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। तो आप सभी का वेलकम है आज की इस कैपिटल कंपैरिजन एपिसोड वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान के कैपिटल इस्लामाबाद को बांग्लादेश के कैपिटल ढाका के साथ। तो इस वीडियो में हम जानेंगे बहुत से फैक्ट्स इन दोनों कैपिटल्स के बारे में। उन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब करें मिस्टर कामरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले। ढाका सिटी बांग्लादेश कंट्री में है। ढाका सिटी लोकेटेड है बांग्लादेश के ढाका डिवीजन में। ढाका का सिटी एरिया 306 स्क्वायर किलोमीटर है। पॉपुलेशन 21 मिलियन पीपल्स है। ढाका की नॉमिनल GDP 170 बिलियन $ है। नॉमिनल GDP पर कैपिटा 7,400 $ है। ढाका का लिटरेसी रेट 75% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 72 ईयर्स है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है और ढाका का क्राइम रेट 72% है। इस्लामाबाद सिटी पाकिस्तान कंट्री में है। इस्लामाबाद पाकिस्तान की कैपिटल सिटी है। इस्लामाबाद का एरिया 220 स्क्वायर किलोमीटर है। इस्लामाबाद की पॉपुलेशन 1.1 मिलियन पीपल्स है। इस्लामाबाद की नॉमिनल GDP 2.84 बिलियन $ है। GDP पर कैपिटा 2,581 $ है। इस्लामाबाद का लिटरेसी रेट 85% है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स है। इस्लामाबाद का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 15% है और क्राइम रेट 25% है। Languages and religions. ढाका में जो मेजोरिटी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें बंगाली, चिटगोनियन, सिलेटी, हिंदी और रंगपुरी लैंग्वेज है। और ढाका में जो रिलीजियंस हैं उनमें इस्लाम 90% है, हिंदुइज्म 7% और 3% अदर रिलीजियंस हैं। इस्लामाबाद में जो लैंग्वेजेस बोली जाती हैं उनमें इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी और पश्तो लैंग्वेज है। और इस्लामाबाद में जो रिलीजियंस हैं उनमें इस्लाम 89% है, क्रिश्चियनिटी 7% और अदर रिलीजियंस 4% है। कॉस्ट ऑफ लिविंग्स इस्लामाबाद हाई हो। ढाका में रहने वाले एक आम इंसान का एक दिन का एक्सपेंस 300 बांग्लादेशी टका है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक वक्त के खाने की प्राइस 150 बांग्लादेशी टका है। ढाका में 1 किलोमीटर टैक्सी फेयर 30 बांग्लादेशी टका है। और ढाका में एक बेडरूम अपार्टमेंट का एक मंथ का रेंट 7,000 बांग्लादेशी टका है। ढाका में काम करने वाले एक वर्कर की एवरेज सैलरी 29,000 बांग्लादेशी टका है। इस्लामाबाद में रहने वाले एक आम इंसान का एक दिन का एक्सपेंस 400 पाकिस्तानी रुपीज है। एक नॉर्मल रेस्टोरेंट में एक वक्त के खाने की प्राइस 280 पाकिस्तानी रुपीज है। 1 किलोमीटर का टैक्सी फेयर 42 पाकिस्तानी रुपीज है। एक बेडरूम अपार्टमेंट का एक मंथ का रेंट 18,000 पाकिस्तानी रुपीज है। और इस्लामाबाद में काम करने वाले एक आम आदमी की एवरेज सैलरी 39,000 पाकिस्तानी रुपीज है। इस्लामाबाद महंगा है मतलब बांग्लादेश की ढाका सिटी। फेमस फूड्स एंड डिशेज। इस्लामाबाद के फेमस फूड्स और डिशेज में ग्रिल्ड बीफ, बीफ कबाब्स, चिकन बिरयानी, निहारी, मुर्ग चने और कबाब पुलाव है।
ढाका के फेमस फूड्स में सूती कबाब, ब्रेन फ्राई, भेलपुरी, चिकन बिरयानी, दाल पूरी और ग्रीन स्वीट्स है। अमेजिंग यार, ग्रीन स्वीट्स। फेमस प्लेसेस एंड विजिटिंग पॉइंट्स। ढाका की फेमस प्लेसेस में लाल बाग फोर्ट, बांग्लादेश नेशनल म्यूजियम, द पिंक पैलेस ऑफ एहसान मंजिल, नेशनल पार्लियामेंट हाउस, सदर घाट बोट राइड और शानखरी बाजार है। इस्लामाबाद की फेमस प्लेसेस में पाकिस्तान मोनूमेंट, फैसल मॉस्क, लोक विरसा म्यूजियम, सैदपुर विलेज, मार्गला हिल्स और द सेंटोरस मॉल है। तो यही था आज का कंपैरिजन। उम्मीद है कि इस वीडियो से आपने इन दोनों सिटीज के बारे में बहुत सी इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, इस तरह की और भी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। तो ये तो कंपैरिजन, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आ गया होगा। इस चीज़ में अगर मैं देखा जाऊँ तो ढाका सिटी पाकिस्तान की कैपिटल सिटी इस्लामाबाद से काफ़ी सस्ता है एंड काफ़ी मतलब समझ लो कि महंगाई वहाँ पे नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश के अंदर अगर देखा जाए एक रूम अपार्टमेंट का जो रेंट है वो 7,000 और इस्लामाबाद के अंदर 18,000 है। तो इस्लामाबाद वैसे भी अगर इस्लामाबाद को देखा जाए तो वो काफ़ी महंगी सिटी है, पाकिस्तान की सारी सिटीज़ से काफ़ी महंगी सिटी है इस्लामाबाद। तो ढाका के अंदर अगर देखा जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4% है और इस्लामाबाद के अंदर 15% है। तो ये मतलब यहाँ पे भी ढाका जो है ना अच्छा है। चीज़ लिटरेसी रेट है, लिटरेसी रेट में इस्लामाबाद थोड़ा सा आगे है बांग्लादेश। क्राइम के अंदर देखा जाए तो क्राइम में बांग्लादेश का ढाका सिटी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि 75% क्राइम रेट है वहाँ पे और इस्लामाबाद सिटी में आई थिंक 15 या 20 के करीब करीब है। तो दोनों कंट्री को अगर देखा जाए कंपेयर करें तो काफ़ी चीज़ें सिमिलर है, जैसे कि चिकन बिरयानी हो गई और बहुत सारी चीज़ें घूमने फिरने के लिए। लाल बाग फोर्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है ढाका सिटी के अंदर। शानकरी बाज़ार नाम लिया आई थिंक, शानकरी बाज़ार शायद लिया है, इस तरह कुछ नाम था। तो वो बाज़ार लाजमी मुझे देखना है। सो उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी। तो ये था कंपैरिजन रिएक्शन पाकिस्तान की सिटी इस्लामाबाद का, कंपेयर कर रहे थे हम ढाका सिटी यानी बांग्लादेश की कैपिटल सिटी को। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आ जाने के बाद।